एक बार फिर आपको राजधानी रांची लिए चलते हैं। कहते हैं कि मनुष्य अपने इरादे को मजबूत कर ले तो हौसला, मेहनत, कर्म और जज्बे से कोई भी जंग लड़ सकता है। इसका सटीक उदाहरण दिव्यांग राजेश कुमार हैं। राजेश दोनों पैरों से विकलांग हैं। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। यूजीसी नेट तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब आर्थिक तंगी और परिवार का बोझ सामने आया तो राजेश ने देवघर में बतौर अर्थशास्त्र शिक्षक सिद्धू कानू विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने काम के बीच कभी दिव्यांगता को आड़े नहीं आने दिया, पर जब मेहनत से काम करने के बाद वेतन के रूप में कुछ नहीं मिल पाया तो राजेश काफी हताश हो गए। उन्होंने अपने वेतन की मांग कॉलेज प्रशासन से की, लेकिन राजेश को वेतन नहीं दिया गया और पढ़ाने से भी रोक दिया गया। इससे भी वो हताश नहीं हुए और कॉलेज के समक्ष अनशन पर बैठ गए और अपनी मेहनताना हक और पढ़ाने की मांग करने लगे। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने उन्हें जबरन हटा दिया, जिसके बाद राजेश ने अपने हक की लड़ाई को आगे चलाते हुए पत्राचार के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी और राज्यपाल को कई बार इस मामले से अवगत करवाया। इसके बावजूद राजेश को उनका हक और पढ़ाने की अनुमति नहीं मिली। आखिरकार कई किलोमीटर की दूरी तय करके गवर्नर हाउस के समक्ष कई दिनों से वो धरने पर आस लिए बैठे हैं, ताकि उनको पढ़ाने का आदेश और मेहनताना उनके कॉलेज प्रशासन की ओर से मिल पाए। पढ़ा रहा था, एक वर्ष से अधिक समय तक मैंने पढ़ाया है अर्थशास्त्र विषय। मैंने नेट दो बार क्वालिफाई किया और मैं 70% दिव्यांग हूँ। जब मैं नेट पास किया था उस समय विभागाध्यक्ष ने मुझसे संपर्क किए और बोले कि आप यहाँ पढ़ाइए, इसके बदले में जो भी घंटी आधारित टीचर को दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन मैंने पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तब मैंने VC से बात किया, बहुत बार मैंने भेंट किया उनसे और वहाँ से भी मेरा कुछ नहीं हो पा रहा था। तब मैंने महामहिम से भेंट किया। 15 अगस्त 2021 को मैं महामहिम से भेंट किया दुमका में, राजभवन में, और इन्होंने आदेश दिए कि इसे पैसा दिया जाए। इसके बावजूद भी मुझे पैसा नहीं मिला। तब मैंने 3 बार अनशन भी किया यूनिवर्सिटी में, और जब मैं अंतिम बार अनशन कर रहा था, जैसे ही मैं अनशन स्थल पर पहुंचा, मुझे घसीट के रजिस्ट्रार के आदेश से मुझे घसीट के वहाँ के गार्ड ने बाहर निकाल दिया। मैं बाहर में ही अनशन जारी